मेरा नाम है शहरोज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यार दुबई कहा जाता है सेफेस्ट सिटी कहा जाता है इन दी वर्ल्ड, तो ये सही में सेफेस्ट है कि नहीं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला है। आपको पता चलेगा कि ये मैं लाइव दिखाऊंगा कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। कल मैंने एक मॉल विजिट किया था, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करी थी, तो यार एक जो मैंने परफ्यूम्स लिए थे वो मैं भूल गया मॉल में, तो बाकी का आइटम तो याद रहा, वो क्योंकि छोटे से शॉपर बैग में था इसलिए मैं उसे मिस कर गया और वहाँ पे मॉल में भूल ही आया। अब इतना बड़ा मॉल है तो समझ में नहीं आ रहा कि जो है कहाँ ढूंढूं क्या करूँ, तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि जो मॉल मैनेजमेंट है वहाँ पे कॉल करूँ और उनसे जो है पता करूं कि उनको मिला है कि नहीं, किसी ने रिटर्न किया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक लॉस्ट एंड फाउंड का अलग ही डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ मैं कॉल करके पता करता हूँ। अब मैं पूरा इतना बड़ा मॉल है वहाँ तो जाके एक एक जगह नहीं ढूंढ सकता, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं वहाँ कॉल करके पता करूँ कि किसी ने अगर रिटर्न किया हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, मैं कॉल करता हूँ उन्हें और फिर आपको बताता हूँ आगे की डिटेल्स। तो बस इंटरनेट से मैंने मॉल का जो मैनेजमेंट का नंबर था उनका नंबर निकाला, वहाँ पे बात करी तो पता चला कि अल्लाह के शुक्र से मेरे परफ्यूम्स मिल चुके हैं, तो उन्होंने कहा आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ मॉल की तरफ अपने परफ्यूम्स कलेक्ट करने, तो बस इन लोगों ने मुझसे मांगी है वैलिड एमिरेट्स आईडी कि आपकी आईडी जो है वो होनी चाहिए जिस नंबर से कॉल आया, जो मैंने नाम बताया था उसका। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए विजिट पे यहाँ पे दुबई में आते हैं और आप फिर एक महीने के लिए आए और आप वापस चले जाते हैं और आपकी चीज़ कोई खो जाती है, तो आपको क्या करना होगा, जो आपके यहाँ पर रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं उनका नाम इन लोगों को बताना होगा, एड्रेस मतलब नाम और जो भी है आईडी उनको बतानी होगी कि कौन बंदा था, तो वो भी आके कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही आना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मान लिया आप इंडिया में हैं तो आप वहां से वापस आए सामान, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं आप उनसे भी कह सकते हैं, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ जाके। बस वो आप जो भी नाम देंगे वो अपनी आईडी लेके जाएंगे और वहां जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस मैं जा रहा हूँ अपना सामान कलेक्ट करने, बाकी आपको आके दिखाऊंगा। तो बस अब मैं पहुंच चुका हूँ मॉल और यहाँ पे जो है अब मैं जा रहा हूँ अंदर। इन्होंने कहा है कि पहले आप सिक्योरिटी से कांटेक्ट करें, जो यहाँ के कस्टमर सर्विस सेंटर है वहाँ पे कांटेक्ट करें, फिर वो आपका सिक्योरिटी का आपको बताएंगे, तो वहाँ जाके आप अपनी आईडी के साथ वो चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं देखिए अंदर जाता हूँ, तो जैसा भी होगा आप लोगों को बताऊँगा। बस अब मैं आ चुका हूँ दुबई आउटलेट मॉल में, काफ़ी बड़ा मॉल है और सारी ही ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और आपको फैक्ट्री प्राइस पे यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पे शॉपिंग अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है, खूबसूरत मॉल है काफ़ी। तो इन्होंने मुझसे जो है एक फॉर्म फिल करवाया है लॉस्ट एंड फाउंड का इंक्वायरी फॉर्म, तो वो मैंने अभी इनको फिल करके दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, वो भी वेरिफिकेशन करेंगे, इन्होंने थोड़ी वेरिफिकेशन करी कि कब कितने बजे खोया और एक थे या दो थे, तो पूरी इन्होंने डिटेल्स मुझसे ली है और वही चीज़ मैंने फॉर्म में अभी मेंशन करी है सेम चीज़। तो बस अभी वो आते हैं तो मैं अपना जो भी परफ्यूम्स हैं वो कलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जो भी मैं लोकेशन बताई थी ना कि जहाँ मेरा खोया है और जहाँ से लिया है, तो ये दोनों जगह वेरीफाई भी करने गए कि इस बंदे ने यहाँ से ख़रीदा, कि क्योंकि ये यहाँ के मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पता करना, क्योंकि कल को कोई और भी क्लेम करता है तो इनके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है अभी ऐसा है, तो अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ, वो लोग वेरीफाई करने गए हुए हैं। तो ये तो खैर छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे लोगों के मिलियंस ड्रम जो है कैश टैक्सी में भूल जाते हैं लोग, तो वो भी चीज़ मिल जाते हैं यहाँ पे, रिटर्न लोग कर देते हैं माशाल्लाह। इसलिए ही दुबई को जो है मैं कहूँगा इतना सेफेस्ट वो कहा जाता है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आता है फिर आपको दिखाता हूँ। यार इसलिए ही मैं समझता हूँ कि दुबई को सेफेस्ट सिटी कहा जाता है, तो मेरे परफ्यूम भी सलामत हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो कि
कोई चीज़ यहाँ पे भूल रहा हूँ। तो फाइनली मेरे जो हैं परफ्यूम्स मुझे मिल चुके हैं यार। कसम से जैसी उम्मीद थी दुबई और दुबई के मैनेजमेंट से वही हुआ। आपने देखा यहाँ पे, मतलब वही है कि ये तो खैर बहुत छोटी सी चीज़ है कि परफ्यूम्स थे यहाँ पे लोगों का गोल्ड कैश वगैरह। तो ये न्यूज़ में भी आता रहता है कि किसी मतलब कोई बंदा टैक्सी में अपना बैग छोड़ गया जिसमें मिलियंस ऑफ दिरहम कैश थे, वो तक टैक्सी ड्राइवर्स ने रिटर्न कर दिए। तो यार इसीलिए अच्छे लोगों की वजह से ही मैं समझता हूँ कंट्री अच्छा बनता है। कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल दुबई नाम है, तो खाली नाम होने से दुबई के चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती, जो वहाँ पे लोग होते हैं वो चीज़ कंट्री को अच्छा बनाते हैं। तो बस यही है कि दुबई इसलिए सेफेस्ट सिटी कहा जाता है इन दी वर्ल्ड। आप लोग भी ख्याल रखें, कभी दुबई आपका घूमने आना हो या कहीं भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ का कहीं मॉल विजिट करते हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ विजिट करते हैं और आपकी आपको पता है कि वो वहाँ कोई है, तो आप वहाँ के कस्टमर केयर जो वहाँ का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है वहाँ से कॉन्टेक्ट करें, तो आपकी चांसेस हैं कि वो चीज़ मिल जाए। दुबई की तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे मुझे मिल गया तो वैसे आपको भी मिल सकता है, बाकी और कंट्रीज़ का तो आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पे तो बस यही है यार, दुबई को और सेफेस्ट बनाना है और अच्छा बनाना है। और बाकी आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप दुबई विजिट करें तो यहाँ पे टिशू बाहर मतलब गंदगी ना करें, इस पे भी बहुत ज़्यादा फाइन आता है। कभी रोड ऐसे क्रॉस ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग होती है प्रॉपर, वहाँ से क्रॉस करें, उसका भी फाइन होता है। तो ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पे ख्याल रखें, खुदा ना खास्ते आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो वो आप दुबई पुलिस या फिर अगर आपको मतलब ज़्यादा महंगा आइटम है और आपको पता नहीं है तो आप दुबई पुलिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपकी चीज़ इंशाल्लाह चांसेस हैं कि मिल जाए। आपकी कोई भी चीज़ यहाँ पे खोती है, अब ऐसा नहीं कि रोड पे आप गिरा दें और कहें कि भाई मिल जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर भी बहुत मतलब 90% जो है यहाँ पे चीज़ अगर आपकी खोती है तो वो रिटर्न हो जाती है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है और यहाँ की जो दुबई पुलिस है, तो ये लोगों का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो बस यही है कि आप कभी भी दुबई आएँ और आपकी कोई चीज़, बस आपको बस लोकेशन पता होना चाहिए कि चीज़ कहाँ खोई है, ऐसा नहीं कि बस आप खो गई चीज़। तो मुझे ये आइडिया था कि मेरी जो है मॉल में खोई है, जो मेरे परफ्यूम्स हैं कहीं मैं भूल गया हूँ, खोए नहीं मतलब मैं भूल गया हूँ, अब ये नहीं पता था मुझे कहाँ मैं भूला हूँ। तो अब मैं कहाँ पूरे मॉल में घूमता फिरता इतना, तो बस क्योंकि मैं यहाँ पे होटल्स वगैरह विजिट करते रहता हूँ तो मुझे पता होता है, मुझे पता था कि यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का एक अलग इनका डिपार्टमेंट होता है जो खाली इसी चीज़ का टेक केयर करता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई है तो वो उनके पास चली जाती है, ये लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते और कुछ टाइम पीरियड तक अपने पास रखते हैं जब तक जो भी कस्टमर है वो वापस आता है। जैसे कि मैं इनको कॉल करके मैंने इनसे पूछा कि वो चीज़ है कि नहीं इनके पास, वरना फिर एक महीने तक ही लोग वेट करते हैं, इनका कोई टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद ये दुबई पुलिस को दे देते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी और पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो के साथ आपसे। तो अपना ख्याल रखें, चीज़ें ना खोएं, खोई तो खैर मैंने, तो चीज़ आगे ना खोए, और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।